हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लाइट टाइम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल था वो कितनी देर तक हवा में रहा, उसने कितनी मैक्सिमम हाइट को अचीव किया और हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लाइट टाइम से। फ्लाइट टाइम है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं उड्डयन काल। तो ये है क्या? ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में वो प्रोजेक्टाइल या वो चीज जो आपने फेंकी थी वो एयर में रही। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या चीज है? ये तो बहुत सिंपल है, वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जो है पहुंचा है वो है मैक्सिमम हाइट। और थर्ड है रेंज। रेंज क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल कितना आगे पहुंच गया, यानी ये तीन चीजें हम लोग को जो है पता करनी है, इक्वेशन हम लोग को बनानी है। तो मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाई थी, आपको याद होगा v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वही तीन हमको यहाँ पे यूज करनी है। और कल जैसा हम लोग ने सीखा था कि इस मोशन को हम लोग ने दो पार्ट में ब्रेक करा हुआ है। एक है वर्टिकल मोशन ऐसे और एक है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लाइट टाइम से। ठीक है, उड्डयन काल बोलते हैं क्या, कितने टाइम तक वो एयर में रहा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिकल मोशन को देखें तो वर्टिकली उसके पास स्पीड कितनी थी इनिशियली, u sin थीटा ऊपर की तरफ, और फाइनली उतनी स्पीड कहाँ आ गई, नीचे की तरफ, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी माइनस u sin थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई v इक्वल टू u प्लस at। हम लोग u प्लस at वाला फॉर्मूला जो है इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो v होती है फाइनल वेलोसिटी जो है माइनस u sin थीटा, u होती है इनिशियल वेलोसिटी वो है u sin थीटा प्लस ए। आपको पता होगा वर्टिकली जो एक्सेलरेशन है वो जी है और वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो माइनस जी रखेंगे इनटू टी। यही टी हमको फाइंड आउट करना है और यही टी हो जाएगा फ्लाइट टाइम। यहां से आप इसको इधर भेजेंगे दोनों माइनस के होंगे, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का टू यू साइन थीटा आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी टी आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन टी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल बी यूज व्हेन वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट फ्लाइट टाइम। ये वो एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग फ्लाइट टाइम यानी उड्डयन काल का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे जब हम लोग इक्वेशन लगाने जा रहे हैं तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको याद होगा नाइन्थ में कि ये जो इक्वेशन रखती है उनके लिए दो पॉइंट डिसाइड करने होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए फ्लाइट टाइम के लिए आपने कौन से दो पॉइंट लिए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। लेकिन जब हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यहाँ पर हम ये दो पॉइंट ले रहे हैं, एक ये और एक पॉइंट बी। अब अगर आप वर्टिकल मोशन को देखो तो आपको याद होगा इस जी की वजह से ये वाला कंपोनेंट कम होता जा रहा था और कम होते होते सबसे ऊपर पहुंच के जीरो हो गया। यानी अगर हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, यानी यू की वैल्यू तो हो जाएगी यू साइन थीटा। लेकिन जब वो सबसे ऊपर पहुंच गया तो वर्टिकल उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई जीरो। टू ए जी नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी एच, वो कितना डिस्प्लेस हुआ है वर्टिकली, तो एच यहां सब लोग एच फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, फिर दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से एच का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। तो यहां पे बेसिकली हमने कौन से दो पॉइंट के बीच में इक्वेशन अप्लाई करी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। बिल्कुल सिंपल सा जो है इक्वेशन थी ये, और यहां से आपका फॉर्मूला फ्रेमवर्क ओके आ गया एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेंज की। तो व्हाट अबाउट रेंज? फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेंज वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल मोशन। रेंज की कैलकुलेशन के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज पदार्थ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में ए इक्वल टू जीरो होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधे आपको ये फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अभी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है यू कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना लगा था, जितना टाइम हो यहां से यहां तक जितने टाइम हो एयर में रहा होगा वो है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, वो टाइम यहाँ उठा करके रख देंगे। अभी यहाँ क्या देखना हमको, यू और यू का मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर होगा। अब एक फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, आप इसको याद कर लीजिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गई रेंज की एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन बना लिए, एक फ्लाइट टाइम के लिए, उड्डयन काल के लिए, एक मैक्सिमम हाइट के लिए, महत्तम ऊंचाई के लिए, और एक रेंज यानी क्षैतिज पदार्थ के लिए। होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड इट।